नहीं हीरो वाला मोहन बुला तो साहिबा सबसे पहले मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ सभी को, सारी टीम को, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर, ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, माय टीम, माय म्यूजिशियंस। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो सारे सबको पसंद हो, और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद होगा। आज फिल्म का प्रीमियर है और बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करूँगा कि और इसे जितने भी शेयर्स को, जितने भी लोग देखें, और अच्छा लगेगा कि लोग और इसको देखें ज़्यादा। थैंक यू। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सबको बहुत मुबारकबाद हो, मेरी पूरी टीम को भी मुबारकबाद कि आज हमारी फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है। बहुत खुशी की बात है। और ये मेरा कैरेक्टर है जो बहुत, मतलब अब तक मैंने जो कैरेक्टर्स किए हैं उससे काफ़ी अलग कैरेक्टर हैं। मेरे हिस्से जो भी आया, मुझे, मैंने उसे पूरे ईमानदारी से करने की कोशिश की है। जो हीरो है मानव, उनके जो दोस्त हैं रघु का कैरेक्टर जो करे, मैं उसकी माँ प्ले कर रही हूँ। और ये बहुत अलग, लाइक बहुत गुस्से वाली, बीमार भी रहती है और रघु पे हमेशा गुस्सा करती है कि क्योंकि वो, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसा कुछ हंगामे वाला कैरेक्टर है, उसको मैं चमाड़ भी मार के देती हूँ। उसके बाद कैसे मेरा नेचर चेंज होता है, बहुत एक प्यारा इमोशनल सीन के साथ ये चेंज और होता है। ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और मैं मानव जी का और श्रावणी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और मेरी, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसके गाने खास बहुत अच्छे हैं,
विद्युत जी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतने आज के दौर में इतने प्यारे मेलोडियस गाने उन्होंने आप सबके लिए, हमारे लिए क्रिएट किए हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सब के पीछे, यहाँ तक ये जो भी आपके सामने हम खड़े हैं इसका श्रेय पूरा हिमांशु जी को जाता है। और थैंक यू सो मच, मैं मेरी पूरी टीम को, मुकेश जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज के दौर में इतनी अच्छी फिल्म बनाने का सोचा। और जो भी आर्टिस्ट मेहनत कर रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट किया, पूरा हर तरह से सपोर्ट किया, शूटिंग से लेके अब थिएटर में मूवी आई है अब तक उनका सपोर्ट रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप मेरे सारे दर्शकों से यही विनती है कि प्लीज़ सब लोग थिएटर में जाके ये मूवी देखें, क्योंकि बहुत अलग सब्जेक्ट है, हार्ट टचिंग सब्जेक्ट है। और राज कपूर जी की थ्योरी जो है हमारे हीरो ने इसमें भी बयां करने की कोशिश की है कि सबसे अच्छा व्यवहार करो, प्यार से व्यवहार करो। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो है ही, मज़ेदार फिल्म है, प्लीज़ आप सब लोग याद से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मुकेश शर्मा जी, तो आप कुछ बोलिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आज रिलीज हो गई, बहुत अच्छी बात है, और पिक्चर भी बहुत अच्छी है, मैंने तो देखी भी है, आप सब भी देखिए। और फिर आप ही बताइए कैसे। जी जी जी, मैं श्रावणी गोस्वामी हूँ। आज रिलीज हो गई है हमारी फिल्म, और बस फिंगर क्रॉस रखे हुए थे, और फिल्म बहुत अच्छी हिट है और सक्सेस हो रही है। और फिल्म में मेरा किरदार है लक्ष्मी, जो बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, बहुत अच्छा रोल है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग देखिए, आप लोगों को ये रोल ज़रूर पसंद आएगा। आइए मान। हेलो एवरीबॉडी, मेरी ये फिल्म मैं राज कपूर हो गया, मैंने दिल से बनाई, और आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि उसे दिल से देखिए, आपके दिल को ज़रूर छुएगी। और ये इस स्टोरी अबाउट ए फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर, राज कपूर साहब की लाइफ से इसका कोई लेन देना नहीं है। और आज ये रिलीज़ हुई है और अच्छी रेटिंग आई है, सुबह से काफ़ी शोज चल चुके हैं, और आई एम वेरी हैप्पी। और अभी मैंने आप सबको प्रीमियर के लिए बुलाया है, फन रिपब्लिक में प्रीमियर है, और मैं चाहता हूँ आप लोग देखें। और अगर आपको मेरी फिल्म अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी फिल्म को रिव्यू करिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे रिव्यू कीजिएगा, मेरे को पार्शियलिटी नहीं चाहिए। बुरी लगेगी तो बुरा लिखिएगा, अच्छी लगे तो अच्छा लिखिएगा। थैंक यू। सर राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट है मेरी मूवी, और राज कपूर साहब का मैं फैन, बिग फैन, बचपन से हूँ मैं, बस उनके ऊपर फिल्म बनाना चाहता था, और ये फिल्म मैंने उनकी फिल्मों के फ्लेवर पे बनाई है, ये फिल्म उनकी लाइफ से नहीं है। और राज कपूर साहब की हर फिल्म की छवि इसमें आपको जरूर दिखेगी मेरी फिल्म में। सर ये मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, और एक एक्टर का ड्रीम होता है कि वो कभी ना कभी ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ वो अपने मर्जी के काम कर पाए, क्योंकि एज ए एक्टर हम जब दूसरों के पास जाते हैं तो जो हमें रोल देते हैं हम करते हैं। तो इस फिल्म में मैंने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की है, मैंने इस फिल्म में अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन, जो मैं एक्चुअली एक्टर हूँ वो मैंने किया है, क्योंकि आई एम ए ऑल्सो राइटर ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। और आई वॉन्ट टू से दैट कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म आपको पता है मुझे कि ये बहुत बड़े बजट की नहीं है, मैं ज़्यादा, मेरे पास फ़ंड नहीं था, बट मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखी कि फिल्म कभी भी फ़ंड से नहीं बनती है। फिल्म दो ही कैटेगरी की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अगर मेरी फिल्म अच्छी है तो 200 करोड़ की फिल्म से भी अच्छी है। आपको अच्छी लग गई तो 200 करोड़ रुपये भी बेकार है, और 200 करोड़ की भी अगर बुरी है तो फिल्म बेकार है, क्योंकि फिल्म दो घंटे के लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, एक फील के लिए बनाते हैं, जो मैंने की है। थैंक यू। मैं राज कपूर हो गया, मैं रघु नाम का एक कैरेक्टर किया है, जो राज कपूर का कैरेक्टर है उसके साथ में हमेशा रहता है, और ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरी फिल्म हमने नाइट शूट की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्म में हमने कितनी मेहनत की है। आज वो मेहनत आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र मुखी है। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम राज कपूरों में राज कपूर बन गया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा छोटा सा एक कैरेक्टर है, जो कि एक डॉक्टर का रोल है, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि क्या फिल्म बनी है और क्या म्यूज़िक है, आपने तो देखा ही होगा, कमाल का म्यूज़िक है, एंड इट्स लाइक रियली नाइस। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि पूरी टीम आज साथ में एकत्र होकर ये फिल्म को देख रही है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म आप ज़रूर देखें और इस फिल्म को सराहें। और थैंक यू सो मच। जी आपने
प्रीमियर पे आ जाए हैं, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राज कपूर हो गया, राज कपूर साहब को इतनी अच्छी श्रद्धांजलि दी है फिल्म के अंदर, इतना बहुत चीज़ पुरानी मुझे याद आ गई उनकी फिल्म देखकर, और मैं शुभकामनाएं दूंगा फिल्म के मेकर्स को, डायरेक्टर अपने मानव को, श्रावणी को, सभी कलाकारों ने जो उन्होंने उमदा कार्य किया है, और प्रेरणा मिलती है ऐसी फिल्में, कुछ लॉजिक वाली फिल्में और कुछ अलग कॉन्टेंट लेकर आ रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, और अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद देखूँगा तो और अच्छा लगेगा। हाँ भाई, हो गया श्रावणी जी और मानव सोल को, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, अभी मैंने हाफ मूवी देखी है, एंड सॉन्ग्स बहुत प्यारे हैं, मतलब हार्ट टचिंग मूवी है, ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है, एंड सारे एक्टर्स ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस की है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, और इस टाइप की सिनेमा लोगों को देखनी चाहिए, और राज कपूर जी के लिए ट्रिब्यूट है तो डेफिनेटली बहुत स्पेशल है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई वॉन्ट ऑल द व्यूअर्स, यू शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म, इट्स अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। मैं राज कपूर हो गया मूवी बहुत एक आम आदमी की स्टोरी है, जो एक आम आदमी होता है उसके लिए, कभी कोई राज कपूर कोई यू नो अमिताभ बच्चन को प्यार करता है, कोई राज कपूर को प्यार करता है, कोई किशोर दा को प्यार करता है, तो ये जो कैरेक्टर है इसमें, ये फिल्म में मानव जी ने जो प्ले किया है, जिनको राज कपूर से बेहद प्यार है, तो उनके नक्शे कदम पर चल रहे, दुनिया की सेवा कर रहे, निस्वार्थ सेवा बोलते हैं, जो मतलब खुद का ना सोचते हुए दुनिया के बारे में सोचते, त्याग वाली ज़िंदगी है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, प्लीज़ इसको जाके देखिए, एक आम आदमी की स्टोरी है जो पसंद आएगी, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सबने किया है, मेरी दोस्त श्रवणी है इस फिल्म में, जिन्होंने ये राज कपूर जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं उनकी मित्र का रोल किया है, वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस श्रवणी, मानव बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड सबके लिए बेहद बहुत बहुत मुबारकबादी, आप सब जो भी क्रू है और मीडिया को थैंक्स के इस फिल्म को, जो एक आदमी की स्टोरी है, इतना आप लोग ने बढ़ावा दिया, धन्यवाद। मैं हबीब मिठीपुर वाला, थैंक यू। अरबी जी, आपने इस फिल्म को रिलीज़ किया है और आपने इसका म्यूजिक डिपार्टमेंट भी, आपका म्यूजिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और फिल्म आज रिलीज़ हो गई, क्या कहेंगे? आज फाइनली फिल्म रिलीज़ हुई है, म्यूजिक रिलीज़ हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, थिएटर भी अच्छे मिले हैं, ऑडियंस को अच्छी भी लग रही है, अब देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। और म्यूजिक बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के लिए? हाँ, म्यूज़िक मानव जी ने बहुत ही अच्छा बनाया है, और YouTube पे भी अच्छे व्यू आए, ऑर्गेनिक आए, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है म्यूज़िक। तो आगे क्या तैयारी आपकी? बस अब देखते हैं ऑडियंस का क्या रिएक्शन आता है फिर। और मैं इसमें टपोरी का काम कर रहा हूँ, मैं राज कपूर हो गया, और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा मानव जी के साथ, श्रवणी जी के साथ, और आप देखिएगा मेरा करेक्टर बहुत अच्छा है, और आज प्रीमियर है, क्या कहना चाहेंगे आज लोग पसंद करने फिल्म देख के? वेल, दिल से बनाई है ये पिक्चर, तो जाहिर बात है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी, हमें तो बहुत पसंद आ रही है, जितना हमें पसंद आ रही है उतना शायद आपको भी आएगी, तो प्लीज़ देखिएगा और हमें बहुत प्यार दीजिए, थैंक यू सो मच। It gives me immense pleasure, of course, coupled with honor and pride, and I take this platform at Cinepolis, wherein I am present for the premiere of Main Raj Kapoor Ho Gaya. और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे अजीज तरीन दोस्त मानव को, ख़ास तौर पर श्रावणी को भी, ये दोनों मेरे बहुत पुराने और अजीज दोस्त रहे, और बहुत बढ़िया काम किया, न सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि फिल्म मेकिंग के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो हमारी पौध रही है, जो हमारा दौर रहा है, उसके अंदर ही है ये मिसाल कायम की, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई टेक दिस प्लेटफॉर्म टू कंग्रेचुलेट हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मानव एंड श्रावणी, यू डन एन एक्सीलेंट जॉब, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग इतने खूबसूरत वेंचर के साथ यहाँ शामिल हुए, इट्स अ वंडरफुल फिल्म, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आई वुड इंसिस्ट कि मौका बने तो ये फिल्म ज़रूर देखें, राज साहब की याद फिर से रवा हो जाएगी, थैंक यू। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत डिफरेंट, बहुत हटके बनाई हुई है फिल्म है, स्टोरी बहुत टचिंग है, और जो लक्ष्मी कैरेक्टर जो उसमें किया है श्रावणी जी ने, बहुत बढ़िया किया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, दूरदर्शन के बहुत सारे शोज़ हमने साथ में किए हैं, स्टार के भी शोज़ किए, लेकिन ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा, और सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, मैं कहूँगा कि एक बार ये फिल्म ज़रूर देखिए, इतनी डिफरेंट फिल्म है कि एक अलग डेफिनेशन है फिल्म की, इसमें थैंक यू। हमारी फिल्म का प्रीमियर है और मैं इसमें राधा का कैरेक्टर निभा रही हूँ, और फिल्म बहुत अच्छी है, मानव जी बहुत मेहनत करते हैं,
हर बार जब भी वो पिक्चर बनाते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए आप सब से ये गुजारिश है कि आप जाकर ये पिक्चर देखें और इस पिक्चर को अपनी शुभकामनाएं दें। थैंक यू सो मच। मैं फिल्म देखने आया हूँ, मानव सोल मेरे फ्रेंड हैं और बड़ी अच्छी फिल्म है। फिल्म के सारे गाने बड़े अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, फिल्म की देख के मज़ा आया। सारी कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे कंटेंट के साथ फिल्म बनाई, तो सबको बेस्ट विशेज है पूरी कास्ट एंड क्रू को कि सफल रहे, लोगों को पसंद आए और अच्छी फिल्म है, पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्म बनाओ तो डेफिनेटली चलती है। थैंक यू सो मच। फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं चाहूँगा कि आप, ये एक ऐसी फिल्म है जो आप 100 परिवार बैठ के एक साथ देख सकते हैं। फिल्म में हम लोगों ने बहुत मेहनत की और ख़ास करके जो है मानव जी ने इतनी मेहनत की है और कोविड के टाइम में, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक ये फिल्म हर दर्शक देखें, सबका प्यार मिले, बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू। मूवी वाकई बहुत अच्छी लगी, वेरी एंटरटेनिंग, एंड मुझे जो इसका मूवी का टाइटल है मैं राज कपूर हो गया, वो बिना देखे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, कैची लग रहा था। एंड अभी तो आधी मूवी हुई है लेकिन वाकई बहुत ही अब तक पकड़ के रखा है ऑडियंस को और बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ये मूवी देखिए, क्योंकि देखेंगे तभी तो पता चलेगा। और ऐसी मूवी आई थिंक लॉकडाउन के बाद बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं और ये कमाल की मूवी है। तो आई थिंक दर्शकों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ देखिए, एंजॉय करिए, कमाल की मूवी है। ऑफकोर्स देख सकते हैं परिवार के साथ। थैंक यू। हम रखते मारे हुए हैं बलजीत विर्क को मैं राज कपूर हो गया मूवी, हमारे बेस्ट फ्रेंड मानव सोहल जी, श्रावणी दीदी और इनके फ्रेंड धनंजय है ना, तो इनकी मूवी बहुत अच्छी लगी, इनका काम बहुत अच्छा लगा। और हम बलजीत विर्क और नायब सिंह दिल से बोलना चाहते हैं कि सच में, एकदम सच में ये मूवी सच में बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी शूट हुई है और मानव जी की और श्रावणी जी की एक्टिंग, मतलब ओ माय गॉड, रियली दिल से एक्टिंग करते, जैसे हम लोग दिल से एक्टिंग करते ऐसे एकदम दिल से एक्टिंग की हुई है, लगती नहीं एक्टिंग है, एकदम नेचुरल हम दोनों की तरह। और इसमें मूवी में मतलब एक ही, बाकी फिल्मों की तरह घिसी पिटी स्टोरी नहीं है, मतलब अलग अलग स्टोरीज हैं और सारी स्टोरी एक दूसरे के साथ मैच करती है, मतलब स्क्रिप्ट जो बहुत एक कसी हुई स्क्रिप्ट है, मतलब एक साथ एक जुड़ती जाती है बहुत, मतलब आप सबको एकदम बांध के रखेगी। इंटरवल के बाद भी आप चाहेंगे कि नहीं मूवी देखनी है, आप खुद दिल से ही चाहेंगे कि मूवी आगे देखनी है हमने, है ना। आप सबको ये मूवी जरूर जरूर और जरूर देखनी चाहिए, हम बोल रहे हैं, आपको पता ना सबको, बलजीत विर्क तो हमेशा दिल से बात करती है ना। तो मूवी का हिप हिप हुरे करना है और चढ़ती कला करनी है और मानव जी की ये मूवी हम सबको मिलके बहुत प्रमोट करनी है, देखनी है, सुपर हिट बनानी है, क्योंकि मानव जी सच में सुपरस्टार बनना डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे इंसान है। सो मीडिया, मैं आप सबको भी बोलना चाहती हूँ, लव यू सो मच। मैंने मानव जी मेरे दोस्त हैं और श्रावणी जी भी मेरी दोस्त है, लाइट जगा दो, भी काम किया है धनंजय जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इससे पहले भी मानव जी की मूवी मैंने देखी थी, वो भी मूवी बहुत अच्छी थी। और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा मानव जी ऐसे एंटरटेनमेंट करते रहें और अच्छी अच्छी मूवी बनाते रहें, ये मूवी बहुत अच्छी है, आप सबसे गुजारिश आप जरूर देखिए। और हम दोनों का साथ है मानव जी को, श्रावणी दीदी को, और ये मूवी सुपर हिट, सुपर हिट हो, मानव जी भी सुपर स्टार बन जाए, अपने मानव जी सुपर स्टार बन जाए। हाँ जी, थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम रवि शंकर मिश्रा है, मैं एक्टर हूँ, इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई है। पहली बात तो मानव सर को, शनोनी जी को और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं मुकेश जी, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मानव जी का डायरेक्शन, राइटिंग मार्वेलस, बहुत अच्छा लगा, और आप जरूर इस फिल्म को देखें और अपना आशीर्वाद और प्यार दें।
थैंक यू सो मच थैंक यू